अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट किया हमने नाश्ते से। हम नाश्ता करने आए हुए थे बाहर, मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ यहाँ की भी। पार्क में बैठे थे, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आया था। ग्वालमंडी साइड पर आए थे हम लोग, बिल्कुल बस थोड़ी देर ही हुई थी, शुक्र है नाश्ते के टाइम पर बारिश बंद हो गई थी, नहीं तो फिर हमें अंदर गाड़ी में ही बैठना पड़ता। बस ये थोड़ा सा बच्चे जिम बना हुआ था तो वो समझे कि कोई प्ले लैंड बना हुआ है तो वो थोड़ा सा खेले थे, फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे, रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए। फिर बच्चे सोए हुए थे तो मैं किचन में आ गई, मैं कहा मैं आलू के नान बनाने थे तो उसकी तैयारी कर लूँ। उसके लिए मैंने फिर 2 कप मैदा भर के लिया था, उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक, चीनी, यीस्ट डाली थी, उनको मिक्स कर लिया था। यीस्ट 1.5 चम्मच डाला था, नमक 1 चम्मच और चीनी 1.5 चम्मच डाली थी। साथ में 3 चम्मच मैंने भर के दही के डाल दिए थे, 1/4 कप ऑयल डाला था, 1 अंडा डाला था और 1/2 कप मैंने दूध डाला था। दूध ज़रा थोड़ा नीम गर्म होगा तो ज़रा जल्दी से ये हो जाएगी डो इसकी राइस। उसके बाद फिर आटा गूंद लिया था अच्छे से, जिस तरह ये पिज्ज़ा का करते हैं ना, हम गूंदते हैं आटा, वैसे ही बिल्कुल सेम इसका आटा भी गूंदते हैं। आटा गूंद लिया था तो बस फिर मैंने इसको रख दिया था राइस होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा दही लिया था, उसमें मैंने अंडा डाल के रख दिया था, वो एंड पे फिर आपको बताऊंगी कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। सूखा धनिया मैंने रोस्ट करके पीस लिया था, थोड़ा सा उसको मोटा मोटा क्रश कर लिया था। उसके बाद फिर ये प्याज चॉप किया था बारीक बारीक, आलू बॉयल हो गए थे उन्हें चॉप कर लिया था, पीस लिया था। उसके बाद फिर हरी मिर्चें डाली थी उसमें, साथ में हरा धनिया डाल दिया था, नमक डाला था 1 चम्मच भर के बड़े वाला, साथ में मैंने गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, ज़ीरा डाला था, सूखा धनिया जो मैंने रोस्ट किया था और ग्राइंड किया था वो डाला था। ज़रा स्पाइसी रखना हो आई आपकी मर्ज़ी, आपने स्पाइसी रखना है स्पाइसी रख लीजिएगा, जिस तरह से आपका अपना माइंड हो। मैंने वैसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैं बनाती खाना शरी की वजह से। डो ये अच्छे से राइज हो गई थी तो बस फिर मैंने इसे दोबारा से निकाल के इस तरह से 1-2 बारी इस तरह किया और थोड़ा सा गूंद के दोबारा फिर इसको इस तरह बना के इसके पेड़े कर लिए थे, इक्वल साइज़ में काट लिए थे। मैंने पहले 4 काटे थे लेकिन जब मैं पेड़े बना रही थी तो मुझे फिर छोटे लगे थे साइज़ में ना, तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने इनके 3 कर लिए थे पेड़े। पेड़े ज़रा आपने जो नॉर्मल साइज़ की रोटी होती है ना उससे ज़रा बड़ा साइज़ का पेड़ा रखना है, नान है ना, तो इस वजह से फिर मैंने फिर 3 ही बना लिए थे पेड़े इसके। बस फिर दोबारा से पेड़े बना के इसे आपने 5 से 10 मिनट के लिए फिर से रख देना है। ये हो गए थे दोबारा से पेड़े, दोबारा देखें साइज़ थे थोड़े से और ज़्यादा हो गए थे। बस फिर उसके बाद फिर हमने रोटी बेल लेनी है इस तरह, साथ साथ मेरे बेबी तंग करते रहते हैं मुझे, अंदर आके बार बार चीज़ें छेड़ते रहते हैं। इसको हाथ से ही आपने ना इस तरह से करना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा हो जाए तो फिर ये ऐसे अंदर डाल के ना इसको जो स्टफिंग हमने बनाई होगी वो डाल के इसको इस तरह पोटली की तरह जैसे आप बंद करते हैं ना चीज़ को पकड़ के, इस तरह से बंद करना है और ऊपर से फिर अच्छी तरह से बंद करके हाथ से ही इसको कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हाथ से ही करें। अच्छा, मैंने स्टफिंग ना ज़्यादा की थी, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग थोड़ी कम करिएगा तो इस तरह से ये मेरा ना इस साइड से निकल भी रही थी स्टफिंग, लेकिन मैंने फिर परवाह नहीं की, मैंने कहा नहीं निकलती है तो निकले, ज़्यादा स्टफिंग हो तो अच्छा लगता है, ज़रा कम हो ना तो फिर क्या फ़ायदा, आपने खाली मैदा तो खाना नहीं है, इसलिए मैं तो पराठे भी बनाती हूँ तो स्टफिंग ज़्यादा रखती हूँ। बस फिर इसे मैंने ट्रे में डाल लिया था, बेकिंग ट्रे में, उसके बाद इस हाथ से इसकी शेप दे ली थी नान की, उसके बाद वो जो मैंने लिक्विड बनाया था दही का और अंडे का वो डाला था, उसके ऊपर लगाया था ब्रश से सारा और साथ में ऊपर तेल लगा लिए थे। नीचे बेस पे ना आपने ऑयल लगा लेना है लाजमी, वरना वो चिपक जाएगा। बस जो बाकी का पेड़े बच के वो बच गई थी स्टफिंग, उसके मैंने बना के रख लिए थे, क्या कहते हैं इसे, कबाब बना के रख लिए थे।
ये 10 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पे ना मैंने पकाया था, 10 से 12 मिनट में ये नान रेडी हो गया था हमारा। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने थे नान, बिल्कुल ऐसे जैसे बाहर से मंगवाए होते हैं ना आपने, इस तरह से बने थे। बस ये एंड पे वो शहरी तंग करने लग गया था, रो रहा था, उसको वो गिर गया था बेड से तो इसलिए रोने लग गया था, तो बस फिर मैं इसकी एंड पे वीडियो बना नहीं सकी थी। सर भी बल्कि हस्बैंड ने ही निकाल के दिया था, उन्होंने ही डाला था, इस वजह से वीडियो नहीं बन सकी थी। बस फिर खा के हम लोग सो गए थे, बच्चों को चेंज वगैरह कराया उसका, सो गए थे। नेक्स्ट डे की ये क्लिप है, हस्बैंड को सुबह मॉर्निंग में मैंने फिर वो जो रात को कबाब बनाए थे ना आलू के बच गए थे, वही मैंने डाल दिए थे स्लाइस में, साथ सैंडविच उसके बना रही थी, साथ में ये एज़ यूजुअल उनके लिए मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक। सैंडविच रेडी हो गए थे तो बस फिर उनको दे दिए थे मैंने ये। अच्छा, अगर इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे तो ये मैंने पीछे से स्विच निकाल दिया हुआ है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कोई भी चीज़ हो ना इलेक्ट्रिसिटी की तो उसमें आपने डायरेक्ट इस तरह से कोई लोहे की चीज़ नहीं लगानी। मैंने स्विच निकाल लिया था उसके बाद फिर निकाले थे मैंने इससे ना। बस फिर नाश्ता रेडी हो गया तो हस्बैंड को दे दिया था, वो चले गए थे तो मैं भी थोड़ी देर बाद सो गई थी। सुबह उठी तो मशीन लगानी थी तो फिर मैंने कहा ये साफ़ कर लूँ इसको, मशीन को बहुत गंदे हो गए हुए थे, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था, हालांकि आपको 15 डेज़ के बाद इसको साफ़ कर लेना चाहिए इसके फ़िल्टर्स को, लेकिन बस मैंने किया नहीं था, इतना गंदा हो गया हुआ था। पीछे से बैक भी इसकी साफ़ की, फिर मैंने फ़िल्टर्स को मैंने ब्रश से धो लिया था, अच्छे से साफ़ हो गए थे। बस फिर उसके बाद फिर मैंने इन्हें लगा दिया था मशीन में और फिर मशीन चला दी थी। पार्सल आया था, ये मैंने मंगवाई थी बेडशीट ना वाटरप्रूफ, मेरी ख़राब हो गई थी पुरानी वाली, दूसरी मंगवाई थी मैंने भाभी के लिए और अपने लिए मंगवाई थी, भाभी ने भी कहा था कि मुझे भी मंगवा देना, तो बस ये मैं चेक कर रही थी कि कैसी है, ठीक है कि नहीं। तो ये देखें बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं आया और पानी ऊपर ही है, नीचे की तरफ पानी नहीं गिरा, शहरी अपनी जंपिंग करने लग गया था उसके ऊपर ही। बस फिर बेडशीट ने पानी निकलने तो नहीं दिया लेकिन शहरी ने ऊपर से निकाल दिया था सारा बेड पे पानी। उसके बाद बस बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए थे तो मैं किचन में आ गई, मैंने कहा मैं खाना तैयार कर लूँ, तोरियाँ बना रही थी मैं। इसके लिए प्याज ना ढेर सारा डालते हैं आप इसमें ना तोरियों में, ज़रा मसाला अच्छा सा बन जाता है, ये प्याज हल्का सा इस तरह से हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं आपने ब्राउन करना। तो इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला, फिर मैंने ढेर सारी हरी मिर्चें डाली थी काट के, इसमें सिर्फ हरी मिर्चें ही डलेंगी स्पाइसेस में ना, हल्दी और नमक साथ डाला था, 1 चम्मच हल्दी भर के डाली थी और साथ में 1.5 चम्मच नमक का डाला था। ये हरी मिर्चों में ही बनेगी, इसमें लाल मिर्चें वगैरह कोई भी नहीं जाएगा। साथ में ये तोरियाँ मैंने इसमें मशीन में ही कर ली थी, इसमें बस फिर मैंने डाल दी थी और थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें रख दिया था, ये बस अब खुद ही गल जाएंगी और उसके बाद फिर एंड पे हम लोग उसको पीस लेंगे। दूसरी तरफ ये मोमिन के लिए मैंने आलू वाले चावल बना रही थी, मैंने कहा थोड़े से आपको दिखा दूँ। बस ये प्याज ब्राउन हो गया था अच्छे से तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला डाला था, पानी डाल दिया था उसमें, साथ ही टमाटर डाल दिए थे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और साथ में एक हरी मिर्च डाल दी थी, साथ में अदरक लहसुन का पाउडर डाला था मैंने, आलू डाल दिए थे, आलू जब गल गए थे तो फिर मैंने उसमें आप चावल डाले और पानी डाल के मैंने इसे ढक के रख दिया था। दूसरी तरफ ये तोरियां हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बस थोड़ी सी कसर थी उनमें, तो मैंने कहा उतनी देर में आटा गूँध लूँ, आटा गूँध रही थी मैं, बस आटा गूँधते गूँधते ही तोरियाँ रेडी हो गई थी। बस उन्हें फिर मैंने इसे ये जिसे आलू मैश करते हैं ना उसी से ही मैंने इन्हें थोड़ा सा मैश कर लिया था। दूसरी तरफ राइस हमारे रेडी हो गए थे, बच्चों को देखने आई थी रूम में, वो आराम से शुक्र है पॉपकॉर्न्स खा रहे थे, साथ में टीवी लगा हुआ था वो देख रहे थे बच्चे बैठ के दोनों। बस ये चीज़ इस तरह की कोई ले दो ना तो फिर आराम से बैठ के देख लेते हैं, शुक्र है उस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, उसी चीज़ के ध्याने लगे रहते हैं। ये कॉर्नर्स पे ना मैंने आपको बताया था ना मैंने डाला हुआ है पाउडर, तो ये बड़ा सुकून है आराम से, कोई कीड़ा वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती है। बस ये रोटियां बना रही थी, ये मेरे आटे की रोटी है तो इसीलिए ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है।
बस जी यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।